यहाँ पे डांस वांस कर रही हैं खतूनें और बंदे मिल गए। कौन सा हीरो पसंद है? काजल, शाहरुख। काजल आज हम निकले हैं, सुबह सुबह का टाइम है और चलते हैं जी। आज देखना है हमने क्या सीन हमारा बनता है। पहले यहाँ से ना किसी से लिफ्ट मांगते हैं, ऐसे को हमें छोटी मोटी लिफ्ट मिल जाती है ना, वो पुल खाजो की तरफ चलते हैं जी, क्योंकि पुल खाजो यहाँ से काफी सफर है, तो पैदल तो थोड़ा सा मसल के ये व्लॉग लंबा हो जाएगा। यहाँ से किसी से लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट ऐसी मिलती है उसमें बैठते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं जी। चलते हैं जी आगे की तरफ और आज हमने जो रियल वाली खाजो पुल है वो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और वहां पर देखेंगे किस तरह का माहौल है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को मजा आने वाला है इंशाल्लाह। यार ये सेम लाइक यूरोप की तरह है, मुझे ना ये मतलब कि इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप लोग सस्ता यूरोप घूमना चाहते हैं ना तो आप ईरान आ जाएं। आप बताइए यहाँ से कि इसमें से यूरोप से कम क्या चीज़ें हैं, मुझे ये बताएं। हर चीज़ सेम लाइक यूरोप की तरह है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूम रहे हैं और कोई पुछ प्रीत नहीं है यहाँ पर। आप जिस तरह मर्जी वीडियो वगैरह बनाएं या फिर मौज मस्ती करें, गर्लफ्रेंड बनाएं, मसल के यहाँ पर शादी करवाएं या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। क्योंकि बंदे की इतनी इधर नहीं चलती, इधर ज़्यादा औरत की चलती है, तो जैसे औरत अपना दिल करे वो कर सकती है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं अपनी लाइफ, लाइफ तकरीबन बेहतरीन होती है। लोकेशन हमने लगाई थी इस खाजो पुल की, लेकिन ये सिया पुल से क्रॉस होकर वो आगे की तरफ जाएगी। ये पुल हमने क्रॉस कर ली है और आगे की तरफ चलते हैं जी, क्योंकि यहाँ पर इतना माहौल नहीं है देखने के लायक। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, वहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन माहौल दिखाने वाले हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पे और हाँ चलते चलते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपका कौन सा टाइम वेस्ट होने। भाई साहब आप लोग कहते हैं ना कि ये कहाँ चिट्टे नहीं होते, तो ये देख लीजिएगा भाई ईरान में सारे कहाँ ही चिट्टे हैं। तो आगे ये देखिएगा, ये साइड साइड से इन लोगों ने ये भी बनाया, यहाँ पे पानी होता था तो काफ़ी लेवल का सीन होता था, लेकिन अभी पानी नहीं है तो बिल्कुल खुश्क हो चुका है जी, क्योंकि यहाँ पे 3-4 साल हो गया बर्फबारी नहीं हुई ज़्यादा, तो उस वजह से यहाँ पर ना ये है कि पानी की कमी हो गई है। हम जा रहे थे आगे की तरफ और ये हमें 3 लड़कियाँ मिली हैं जी, जहरा, फातिमा, जहरा, आसिया, ठीक है। तो इन तीनों का ये नाम है और वो तीनों सिस्टर, इनके जो फेस का रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम है, मतलब इनके फेस जो है वो तीनों एक जैसे हैं, तो इसलिए पता चल रहा है कि ये तीनों सिस्टर हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी माहौल बनाया हुआ है और अभी हम जा रहे थे आगे पुल की तरफ तो ये हमारे साथ आ रही हैं, थोड़ा सा ट्रांसलेट करके उनसे बात करते हैं। लोगों ने हमें अच्छे से बता दिया है कि आप इधर भी जा सकते हैं और वो इसके आगे वाली जो पुल है वो है पुल खाजो, और हम पहले ये वाला माहौल देखेंगे। अभी मेरे ख्याल में इधर कोई आया तो नहीं है, देखते हैं आगे, ये इसका दरवाज़ा कोई बंद ना हो तो इस पुल को इसको देखते हैं जी। ये क्या, ये तीनों लड़कियां जा रही हैं और ये तीनों सिस्टर हैं, काफ़ी अच्छे अखलाक के मालिक हैं, तो इसके अंदर चलते हैं जी
माहौल देखते हैं, इसके अंदर का सीन देखते हैं जी। ये म्यूजिक किधर लगी है? अच्छा, इन स्पीकरों में म्यूजिक चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए बनाए गए हैं। ये देखिएगा जी, ये बेड़ा बना हुआ है। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो तब मेलों पर जाके इस तरह की चीजें देखा करते थे, लेकिन अब बड़े हो गए तो ईरान में घूमने के लिए आए हैं जी, और काफी मजा आ रहा है यहाँ पर घूम के। तो जी उधर हम वीडियो वगैरह बना रहे थे, लेकिन वो मसला कुछ ये था कि उधर ना जस्ट वो जो सामने वाली आप लोगों को गेम नजर आ रही थी ना, वो जस्ट वुमेन्स की थी। उधर उन लोगों ने बोला कि वहां पर ना जस्ट लेडीज जा सकती हैं, बॉयज नहीं जा सकते, तो इसलिए वहां पर मैंने वीडियो वगैरह नहीं शूट की। और अभी जा रहा हूँ जी मैं वापस, यहाँ से निकलते हैं फिर उस तरफ जाते हैं, वहां पर खाजो पुल कहा गया उन लोगों ने। ये एक स्केटबोर्ड लेके फिर रहा है, पता नहीं लड़की है या लड़का है, इनसे पूछते हैं अगर वो हमें। उफ़ो, वो गिर गई है यार। यार ये अभी सीख रही थी, ये दो दफा गिर भी गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, जब बंदा सीखता है तो उसमें गिरना फिरना लाजमी होता है। ये इसकी टीचर है। योर नेम? माहिया। माहिया इसका नेम है और ये इसका स्टूडेंट है। कौन सा हीरो पसंद है? काजल। यू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज काजल? हिंदी अंडरस्टैंड? विच यू आर हिंदी फिल्म इन ट्रांसलेट इन पर्शियन? सो जी जैसे हम पुल से नीचे आए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जॉगिंग का सामान लगा हुआ है। ये देखिए सफदर अभी जॉगिंग करनी स्टार्ट कर दी इसने। इस पे मैं चढ़ता हूँ। एक पाँव इधर रखना, एक पाँव इधर रखना, और ये ऐसे ऐसे कर। अल्लाह। सो जी बाबा जी के वैसे स्क्रू ढीले हैं। वो कह रहा है कि पहले पैसे दो फिर मैं चलाऊंगा जी। लाल है साहब भाई, हर एक बंदा पैसे के पीछे है। लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है, अगर इसको ये प्ले करना चाहिए तो वहां पर ना चला जाए सिया पुल पे, वहां पे रश बहुत है, वहां पे कोई ना कोई तो मसल के इससे ज्यादा इसकी सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से गुजरते हैं। सो जी काफी सफर करने के बाद फाइनली खाजो पुल पे हम पहुंच आए हैं। यार हकीकत वाली बात, आज सर्दी ने तो ना बहुत बुरा हाल किया हुआ है। नोजी सुनक सुनक के ना मेरी वो पेन करने लगी यहाँ से। और ये सामने खाजो पुल है जी, यहाँ पर जाके देखते हैं भाई क्या नजारा है। इसका बहुत नाम सुना जी, खाजो पुल खाजो पुल खाजो पुल, लेकिन पता नहीं खाजो पुल पे है क्या। सो जी ये यहाँ से सीन हो गया शुरू खाजो पुल का। सबसे पहले जी आप लोगों को ये पत्थर दिखाते हैं, वो शेर नुमा कोई जगह बनी हुई है। ये जी शेर बना हुआ है, ये आगे का मंजर है जी, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पे देखोगा स्टेप बने हुए हैं जी, पानी अंदर से गुजरता था, लेकिन यहाँ पर लोग बैठ के इसका खूबसूरत नजारा दिया करते थे। ये वही है ब्रिज, आती है यहाँ से सीन। और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और इसमें क्या डिफरेंट है जी देखने को। उफ, वो देखिए खतून नाच रही है यार। ये सीन चेक करेंगे, यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर रहे हैं वे लोग। यहाँ पे म्यूजिक प्ले की हुई थी, वहाँ पे बहुत माहौल बनाया हुआ है, पुल के नीचे काफी वीआईपी माहौल बनाया हुआ है जी। और यहाँ पे डांस वांस कर रही हैं खतूने और बंदे मिलके। अभी वो कुछ और नया गाना मसलन प्ले करने वाले हैं, देखते हैं सीन बेहतरीन होने वाला है। यार इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये सीन हो जाएगा, लेकिन देखते हैं अभी वो और प्ले करने वाले हैं। यहाँ पे क्राउड काफी हो चुका है। मैं आप लोगों को दूसरी साइड से दिखाता हूँ, वो एक बुजुर्ग भी नीचे बैठे हैं।
सो जी ये आप लोगों ने देखा इनका रक्स डांस और काफी बहुत बेहतरीन माहौल था यहाँ पर। और ये खाजो पुल के अंदर इस तरह का अगर निज़ाम बनाया जाए तो वो बेहतरीन हो जाता है, उससे ना बहुत मसल के अच्छा फील होता है लोगों को और यहाँ पर लोग आके बहुत इंजॉय करते हैं। अभी थोड़ी सी रात हुई थी तो ये देखिएगा इन लोगों ने ये लाइटें वाइटें जला दी हैं जी सभी। आप जितनी भी यहाँ पर इन लोगों के नीचे ये हॉल बने हुए हैं ना एक ब्रिज के नीचे, तो सभी के नीचे लाइट जल चुकी है और ये टाइम तकरीबन शाम को हो चुका है, सुबह के निकले हुए हैं और काफ़ी एक्टिविटी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।